यार यकीन मानो फ्रंट से देख के ना बड़ी खौफनाक वाइब आ रही है कि ये हुआ क्या गाड़ी को। ऐसे देख के बहुत अफसोस हो रहा है गाड़ी को, पता नहीं क्यों, आई डोंट नो व्हाई। यार रमजा जल्दी कर दी है, जो भी कर रहा है जल्दी कर दी, कसम से गाड़ी बड़ी बुरी लग रही है। और गाड़ी हमें वापस कब मिलेगी? यार ये फ्रंट की लुक देखो बिल्कुल बदल चुकी है, ठीक है फ्रंट से। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक खैरियत से मजे में होंगे। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग बॉयज। कल के व्लॉग में आपके भाई ने थोड़ी सी डंडी मार ली थी। 8-10 दिन कंटिन्यूस व्लॉग करने के बाद मुझे अंदाजा हुआ कि एक दिन रेस्ट कर लेना चाहिए, और ऊपर से तबीयत भी थोड़ी डाउन हुई थी। मैंने कहा यार एक दिन तो ऑफ लेना बनता है, तो मैंने कल छुट्टी कर ली है, आज व्लॉग स्टार्ट कर ली है। कोई नहीं होता, कुछ नहीं होता, टेंशन लेनी आपने। देखो एक व्लॉग के बाद, एक छुट्टी के बाद तो व्लॉग आ गया ना, डेली व्लॉगर विवियन इज बैक विद अनदर व्लॉग। तो जैसा कि आपको पता है कि हम क्राउन को ब्लैक पीपीएफ करवाना चाह रहे हैं, बहुत सारे दिन गुजर गए हैं, टाइम लगता है चीजों में, थिंग्स टेक टाइम, एक एक करके स्टेप बाय स्टेप चल के फिर जाके हमने अपना काम कंप्लीट करना है। ऊपर से डैप की ओपनिंग थी, लास्ट ब्लॉग में आपने देखा था कि डैप की ओपनिंग थी, बड़े अच्छे से ओपनिंग हो गई है। अब अल्लाह का शुक्र है कि डैब और हमजा फ्री है, तो अब हमारा शायद काम जो है ना वो हो जाए। आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं बिना किसी देर के। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जरा मेहरबानी करके चैनल को सब्सक्राइब पहले कर लें, फिर वीडियो को देखें, क्योंकि ऐसे फेयर नहीं लगता, ऐसे अनफेयर लगता है कि सब्सक्राइब किए बगैर आप वीडियो देखी जाओ। वीडियो को लाइक भी कर सकते हो, कमेंट में अपनी राय से आगाह भी कर सकते हो, और इंस्टा पे आप भाई को फॉलो भी कर सकते हो, जहां पे हम गाड़ियों रिलेटेड और मजे मजे के कंटेंट फेंकते रहते हैं। तो लेट्स गो, बिना किसी देर के चलते हैं और आपको बताते हैं कि आज का क्या सीन है। भाई अभी रिसेंटली मैंने ये टायर धो के रखे थे, 205/65/15, ठीक है, स्टॉक गाड़ी के लिए बेहतरीन टायर है। देखो बेड़ा गर्क कोई जा रहा है, फजूल में पड़े हुए हैं, तो किसी को अगर जरूरत हुई तो मुझे आप बता सकते हो, ताकि ये मैं जरूरतमंद बंदे को दे दूं, मतलब बेच दूं, मुफ्त में नहीं है, मुफ्त में क्या मिलता है भाई आजकल। बाहर का टेम्परेचर देखिए, 43 डिग्रीज के साथ आज के दिन की शुरुआत करते हैं, आज के व्लॉग की शुरुआत करते हैं। दिन तो बड़ी देर का शुरू हुआ है। एनीवेज वी आर गोइंग टू कारीगर रेस्ट मोड्स। कारीगर रेस्ट मोड्स अगर हम नहीं जाएंगे तो हमारी गाड़ी पीपीएफ नहीं होगी। आप लोग सोच रहे होंगे ये क्या चक्कर है, व्हाट इज दिस बिहेवियर। कारीगर रेस्ट मोड्स और डैब का आपस में क्या ताल्लुक है, अभी आपको समझाते हैं। टेंशन लेनी, कारीगर रेस्ट मोड्स पहुंच के आपको समझाएंगे। वैसे यार एक बात है आपस की, ये जो मैंने ऐनक पहनी हुई है ना, ये जो ओजी सब्सक्राइबर्स है ना पुराने वाले, उनको याद होगा ये ऐनक हमने कब और कितने की ली थी। बल्कि गैस करो यार, जो पुराने सब्सक्राइबर्स है ना वो गैस करें, ये जो ऐनक मैंने पहनी हुई है, एक तो मैंने ये कब ली थी, ठीक है रफ टाइम बता दो, मुझे तो खुद याद नहीं है, तकरीबन मैं खुद बताता हूँ, 1.5 साल पहले ली थी मेरा ख्याल है, गैस हाँ तकरीबन 1.5 साल पहले ली थी, या फिर साल पहले नहीं 2 साल होने वाले हैं मेरा ख्याल है। अरे कहना क्या चाहते हो, तो टाइम एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, साल से ज्यादा तो हो गया। और पैसे आपने गेस करने के, मैंने कितने की ली थी, ठीक है, जो ओजी वाले ना उनको याद होगा कब और कहाँ से खरीदी थी। तो याद है, बड़ा शुगर लगा था उस दिन, ये मैंने खरीदी थी अपनी तरफ से, बड़ी इन्वेस्टमेंट की थी यार। खैर कमेंट में गेस करो, बाकी स्टोरी बाद में करेंगे इस ऐनक की। चलते हैं, आप पहुंचने वाले, ऑलमोस्ट वी आर ऑलमोस्ट देयर। अस्सलामुअलैकुम सलीम साहब, क्या हाल है, कैसे हैं, सेहत तबीयत ओके, अस्सलामुअलैकुम, जल्दी पढ़ लो यार। तो बॉयज अपडेट ये है कि हम लोग कारीगर रेस्ट मोड से पहुंच चुके हैं, और उस्ताद नवीद का इंतजार है, उस्ताद नवीद नमाज पढ़ेंगे फिर हम जाएंगे खैर से। ये मैं जब बात हूँ ना, उस्ताद नवीद ने उसी वक्त नमाज पढ़नी होती है, 5-5, 10-10 मिनट ऐसे ब्रेक ले ही लेते हैं उस्ताद नवीद। खैर एनीवेज, अब उस्ताद नवीद को हम कहाँ पे लेके जा रहे हैं, उनका वेट क्यों कर रहे हैं, वजह उसकी ये है बॉयज की हमारी गाड़ी, जैसा की आपको पता है की डैब न्यू ब्रांच पे खड़ी है, न्यू ब्रांच पे हमारी गाड़ी पीपीएफ होने के लिए खड़ी है, और पीपीएफ करने के लिए काफी सारी चीजें जो है ना वो खोलनी पड़ती है, लाइट बम्पर्स, फेंडर्स, इवन फेंडर्स भी खुलते हैं। तो ये हमें कहा गया है हमजा भाई की जानिब से कि अगर आपने अपना डेंटर लेके आना तो अपना डेंटर ले आए, और उनसे जो है ना अपनी गाड़ी खुलवा लें, ताकि आपका एक ही डेंटर गाड़ी खोले और एक ही बंदा गाड़ी पैक करे। क्योंकि एक तो पहली बात आपको पता है, पुरानी गाड़ी जैसे कहते हैं ना कि नाई एक ही होना चाहिए बंदे का, जो बाल काटता है वो एक ही होना चाहिए, वैसे ही मैं समझता हूँ कि डेंटर भी एक ही होना चाहिए। उसको पता होता है कि गाड़ी में क्या चीज किस तरह लगनी है, किस तरह उतरनी है, हर बंदे से गाड़ी खुलवाना एक ज्यादती वाला काम जाता है। तो इसीलिए रिस्क लिए बगैर हम उस्ताद नवीद को लेकर जाएंगे डैब पे, और वहां पे जाके अपनी जो क्राउन है जो हमारे दिल के बहुत करीब है, उसको हम डिसमेंटल करवाएंगे जितना पीपीएफ के लिए जरूरत पड़ेगा, ठीक है, वही डिसमेंटल करेंगे और पीपीएफ के बाद वही गाड़ी पैक करेंगे, ठीक है, बेस्ट हो गया, वेट करते हैं और फिर निकलते हैं खैर से डैब की जाले, देखते हैं सुरगेश भाई को खिंच के रह जाते हैं, बेला उन्होंने क्या करना है इधर बैठ के। बाकी बॉयज अपडेट N1 की कुछ यूं है कि इस पे भी काम जारी है। उस्ताद नवीद N1 का क्या बना है, फिर क्या अपडेट है इसकी? इसके दाखिले तो मरघाट रह गए हैं और सड़ाला वाला एक दरवाजा, मतलब 70% हो गई है तकरीबन, ठीक है, अब कितने दिन और लगेंगे? दो से तीन दिन। चलो ठीक है, इसको जल्दी कर दो, ये तो जंग पकड़ना शुरू कर रही है, लेकिन खैर कुछ नहीं होता, पार्ट ऑफ द गेम, निकलते हैं बस, गुजार पकड़ लो सारे। चलो यार साथ क्या कर रहे हो यार? मैं ये कर रहा हूँ
बिस्मिल्लाह रहमान। एक बल्कि किसी चीज में रख लेते ना बंदा वापस छोड़ जाऊंगा, वापस छोड़ जाऊंगा। मैं आपको कह तो रहा हूँ साथ चले चलो बेशक। वो ऐसा कह रहा मैं आ रहा हूँ मैं आ रहा ओके सुरगेल भाई सी यू इन वाइल। कोई मसला नहीं, गाड़ी आपकी अपनी लेट हो रही है, मैं आपको बता रहा हूँ। कोई मसला नहीं, क्राउन पहले करनी है, लोग स्प्रे पेंट मार दो उसको, देखो जंग फिर लग जाना। कुछ नहीं होता, आ जाओ लेट्स गो। उस्ताद नवीद को हमने पिक कर लिया। उस्ताद नवीद क्या हाल चाल है? ठीक ठाक, खैरियत से? मजे में है अल्हम्दुलिल्लाह। उस्ताद नवीद आपको लेके जाने का मकसद पता क्या है? जी जी। कि जैसे मेरी गाड़ी है ना जी, वैसे ही रहनी चाहिए इंशाल्लाह, वैसे ही रहे। एक एक नट बोल्ड वैसे ही लगना चाहिए। मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूँ, ये मकसद इनको लेके जाने का। सो लेट्स गो टू डेप्थ। वाजी वाह वाजी वाह, ईद की होंगे लगने लग गई है। जगह जगह थां थां छोटी छोटी मंडी खोल के बैठे हैं सारी। चेक करें जरा माशाल्लाह, बकरे पे बकरे। आह हा, क्या बात है, क्या बात है। करते हैं करते हैं मंडी ब्लॉक का भी कोई सीन करते हैं इंशाल्लाह सून। जब इनको एलडीए पड़ती है ना, फिर दो दो बकरों को ऐसे कानों से पकड़ के खींच रहे होते हैं कि देखने वाले होते हैं कि कर क्या रहे हैं ये लोग। भैया बहुत लंबा सफर है, अब आपने सफर एंजॉय करना है, क्योंकि हमजा जो है ना वो लाहौर के दूसरे कोने में जाके अपना डैब स्टूडियो खोल बैठा है। तो आप सफर एंजॉय करें, मिलते हैं आपसे कुछ देर का। सी यू गाइस आफ्टर व्हाइल। मनावे वाली मंडी है, बॉयज चेक करें कितना बड़ा सेटअप है मंडी का। मनावे वाली मंडी है ये, और मुझे पिछले दिनों एक दोस्त बता रहा था कि ये बहुत बेगोए हुए ऊंट चेक करो, ऊंटो ऊंट। क्या बात है, क्या बात है, माशाल्लाह। ये शाहपुर से भी मुझे लगता है बड़ी मंडी है, लेकिन हो नहीं सकता शाहपुर से बड़ी हो, लेकिन लग ऐसी ही रही थी दूर से कि बहुत बड़ी मंडी है। गाइस चेक करना जरा इधर, एक छोटा मोटा मामूली सा स्टूडियो आएगा, डिटेलिंग स्टूडियो, ये देख रहे हो, मामूली सा छोटा मोटा स्टूडियो है। अब ईद तक जो है ना हमें ऐसे ही मंदिर देखने को मिलेंगे, कभी कैरी डिब्बे से निकलेंगे, कभी रिक्शे से निकलेंगे। यार ये जब मैं लास्ट टाइम आया था ना, तब भी ये नहीं बिका था। किसी को अगर चाहिए तो आगे ले लो। यार कितने मांग रहे हो? 640। माशाल्लाह खूबसूरत है। लास्ट टाइम भी आया था नहीं बिका था बेचारा, एक ही पकड़ी बैठा है। तो अगर किसी को ऐसा जानवर चाहिए तो यहाँ पे आगे ले लो। कहाँ से, कौन सी जगह है? कमाहा, कमाहा गोल चक्कर पे आगे ले लेना। अपडेट ये है कि हम लोग यहाँ वाटर कॉन्सेप्ट सेकंड ब्रांच पहुँच चुके हैं। एज यू गाइस कैन सी, आज उस्ताद नवीद लेट्स गो। ये डिमेंटर इधर क्या कर रही है? वाह जी वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। ओ भाई छोटी गाड़ी तो नज़र ही नहीं आ रही। एक है, वाह जी वाह, क्या बात है। बड़ी बड़ी गाड़ियाँ खड़ी की हुई हैं यार, माशाल्लाह। छोटा सा स्टूडियो है लेकिन बड़ी बड़ी गाड़ियाँ खड़ी की हैं इन्होंने। ये देखो गाइस, एक छोटी गाड़ी भी खड़ी हुई है इन्होंने। ये देखो छोटी सी गाड़ी है, क्या कर रहे हैं ये? व्हाट आर दे डूइंग? ये क्या छुपा रहा है? वो क्या छुपा रहा है यार? कुछ छुपा रहा है तो भाई। कैसे है? ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है बॉस? ठीक है, खैरियत से है? अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, दोबारा मिल गया, अस्सलाम वालेकुम। पता नहीं क्यों चीज छुपाई है इधर, को नजर नहीं आई मुझे, कह रहे नहीं वे। और सुना क्या हाल है यार? कर दे पी पी अब यार, लोग मेरे पीछे पड़ गए यार, लोग मेरी भी करने लग गए। माशाल्लाह ये क्या किया? ये क्या किया? पता बॉन्डिंग अच्छी होगी नहीं? अच्छा मतलब वो उसकी पकड़ अच्छी हो जाएगी। ठीक। इधर ही नीचे ही पता मार देना, क्योंकि ये फ्रेश पेंट हुआ है, इसको भी कंपाउंड करना है। और यार जरा इसको भी डिटेल कर देना है, छोटा सा स्टूडियो मैंने परली साइड से रोड से दिखाया। हेलो खबर भाई, खबर भाई गाड़ी पेंट करनी है। उस्ताद नवीद अब जरा खुद देख लो, लाइट्स खोलनी है, क्या क्या खोलना है बल्कि खुद बताओ आप। इसकी एक तो ये लाइट है, फेंडर का भी है। फेंडर क्यों खोलना? फेंडर इसलिए खोलना होता है कि फिर यहाँ से बहुत इजी है जो ये आप जब ये गाड़ी इधर से यहाँ से दरवाज़ा खोलेंगे तो ये अंदर की तरफ से हाथ आसानी से चलता है। यहाँ हमेशा खोल के जब भी तंग नहीं करती, मार्केट में इसलिए तो रोला करते हैं बाद में। मुझे तो नहीं, मैं तो खोल सकता हूँ अभी इसको गाड़ी का। ऊपर उठा दे यार। साथ में अब आप शुरू कर दो काम, ठीक है? कितनी देर लग जाएगी? कुछ डब्बा वगैरह मिल जाएगा यार, कोई एक शॉपर दो को शॉपर दे दे ताकि मैं चीज़ें अपनी सेव कर लूँ सारी। हाँ भाई क्या हाल है, कैसे हैं? ठीक है, हाँ कराने लगे हैं, अल्लाह ना करके कर दे काली काली यार गड्डी। कोई शॉपर शॉपर दो ताकि ये जितनी भी चीज़ें हैं ना वो हम सेव कर लें। उस आदमी सारी चीज़ें जो है ना गाड़ी के अंदर रख के जानी है, ठीक है? उस्ताद नवीद जो है वो गाड़ी को डिसमेंटल करना स्टार्ट हो चुके हैं।
जैसे कि आप लोग देख सकते हैं ये वाली लाइट खुल गई है, ये पड़ी है लाइट, इसको इसका क्या करना है ये भी सोचते हैं, क्योंकि गाड़ी का ये जो लाइट है ना थोड़ी सी गंदी गंदी हुई है, पता नहीं क्यों, आई डोंट नो व्हाई, मैली तो हुई है वैसे है उस्ताद नवीद, मैली हुई है लाइट ये, मैली हुई है ना ये अंदर से, मैली हुई है यार, साफ करवाए हैं ना, मुझे लगता है साफ हुई है पहले भी, सिलिकॉन नजर आई है, ये देखो मेरा ख्याल है करवा लेते हैं, या तो पैक होती तो फिर ना छेड़ते, ऑलरेडी खुली है साफ करवा लेते हैं लाइटें, ओरिजिनल है नहीं खुली, खुलवाए रिस्क ले रहे हैं, हम क्या करते हैं अंदर से तो साफ होता है, बाहर से ही है शीशा, ये देख रहे हैं शीशा ही है, सिर्फ शीशा ही है, फ्रंट इसका सारा खुल गया, अब बाकी इसकी बैक लाइट्स भी खोलनी है, सारी एक एक चीजें खोल के ना फिर आपको दिखाते हैं। ओए अल्लाह अकबर यार, उस्ताद ने ये क्या कर दिया मेरी गाड़ी के साथ यार, इतना मशहूर हो गया आज एक बंदा है, आप तो वो है ना हमजा, ठीक हो तुम यार, लेकिन यार ये फ्रंट की लुक देखो बिल्कुल बदल चुकी है, ठीक है फ्रंट से पूरा पूरी पूरी नंगी कर दी है, फ्रंट से पूरी गाड़ी नंगी कर दी है उस्ताद नवीद। खैर एनीवेज अब इसके डोर कार्ड्स खोल रहे हैं उस्ताद नवीद, बम्पर खोल के यहाँ पे रख दिया है, डोर कार्ड्स ईच एंड एवरी डोर कार्ड विल बी ओपन, खुल के गाड़ी के अंदर रख देंगे, और ये वेदर स्ट्रिप्स भी खुलेंगी क्योंकि यहाँ पे इसका जो PPF पेपर है ना वो यहाँ पे इसको टक इन करेंगे अच्छी तरीके से, अच्छे तरीके से, ताकि बाद में ये कहीं से उतरे ना। हमजा कब तक दे देगा गाड़ी वापस, ऐसे बंद कर लो गाड़ी यार, कह रहे उस्ताद नवीद काम कंप्लीट कर ले, बाकी की अपडेट आपको बाद में देते हैं। बहुत खूबसूरत लगता है इधर लगा हुआ, इसको भी संभाले ये लोग, क्या करो पीते पीते उतर गया, गिर जाना अभी ये दूसरी साइड पे भी है, ये भी उतारेंगे, ये भी उतारेंगे, पीछे वाले सारे एम्बुलेंस भी उतारेंगे, अभी ये उतार रहे हैं वेदर स्ट्रिप्स, बहुत टाइम लगा यार, कितना टाइम लगने वाला नवीद भाई, बस ये हैंडल रह गया और कुछ वाले लगे बस, चलो मुकाओ काम, इधर एक स्ट्रिप लगानी है, कंपनी ने लगा के नहीं भेजी ये नहीं उतरा, ये पक्का करके लगा हुआ है, ये पक्का है, ये पक्का है, ये धागे से उतरेगा, ओके, बाकी सारी गाड़ी आप देख सकते हो चीर पहाड़ कर दी है नवीद भाई ने, ओए होए यार रमजा जल्दी कर दी है, जो भी कर रहा है जल्दी कर दी, कसम से गाड़ी बड़ी बुरी लग रही है, मुझे बहुत मुझे मुझे बहुत बुरा लग रहा है ऐसे देख के गाड़ी को यार, इंशाल्लाह जल्द तुम ठीक हो जाओगी, टेंशन नहीं लेनी तुमने, ऐसे देख के बहुत अफसोस हो रहा है गाड़ी को, पता नहीं क्यों, आई डोंट नो व्हाई, आई जस्ट लव दिस कार, आई वांट टू सी दिस कार परफेक्टली फाइन इंशाल्लाह सून। अच्छा जी हमारे साथ है अली भाई, जिन्होंने हमारी गाड़ी को रैप करना है, अली भाई अच्छी तरह तसल्ली से गाड़ी को देख लो और देख लो कोई और देख लो जरा, PPF करने के लिए कोई और चीज खुलने वाली है तो अभी बता दो, मैं चेक कर लेता हूं, जरा चेक कर लो अच्छी तरह, ये लाइटें खुलनी है अभी, लाइटें छोड़ दो अभी, लाइटें खुलनी है, बाकी देख लो आप, ये तो आराम से निकल आएगा, ठीक है बाकी ऑलमोस्ट डन ही है, डन है, ये रह गया ये भी खुलेगा, ये क्रोम वाला पार्ट, हां ये क्रोम वाली ट्रिम उतरेगी, चलो ये भी खुलवा देता हूं, बाकी तसल्ली है, ओके है, हां बाकी ओके है, ओ चल इंजन खुलेगा, अभी नहीं खोलना बाद में खोलेंगे, पहले इंजन लेके दे ना, खरीद के दे मुझे कोई अच्छा सा 2JZ GT, ठीक है भाई मैं चलता हूँ। लो जी बॉयज अल्लाह करके हमारी गाड़ी जो है वो सारी डिसमेंटल हो गई है, उस्ताद नवीद ने जो है वो सारी गाड़ी डिसमेंटल करके खोल के रख दी है, चेक करो जरा, फेंडर उतार दिए, हर चीज उतार के सामने रख दी है, लाइट साइड ये पड़ी हुई है और फेंडर उतार के उन्होंने वो उधर जमा करवा दिए, उधर रख दिए, मतलब वो उधर रैप हो जाएंगे, उधर के रैप हो जाए तो ज्यादा बेहतर है क्योंकि दरवाजे के अंदर फोल्डिंग आसान हो जाती है, उसके अलावा सारा सामान गाड़ी का आप देख सकते हो अंदर अच्छी तरीके से पैक कर दी है, अब हमजा जो है ना वो गया हुआ है, हम लोग भी निकल रहे हैं, लेकिन हमजा का वेट है, हमजा आता है तो उससे पूछते हैं कि यार कितनी देर लगेगी और हमारी गाड़ी कब तक आप PPF करके दे दोगे, यार इनको जरा साइड पे करके रख दें क्योंकि ये बार बार पेंट नहीं होने तरीके से रख दें इनको, ज़रा छोटी छोटी चीज़ें आपको पता है PPF इस तरह ही होता है, जब भी आप PPF या रैप करते हो गाड़ी पूरी खुलती है, तो ये है कि एहतियात अच्छी है, पुरानी गाड़ी है, आई डोंट वांट
एनीथिंग टू गेट मिसप्लेस्ड, मैं नहीं चाहता कोई चीज़ मिसप्लेस हो जाए और बाद में हम उसके पीछे ख्वार हों, तो उससे बेहतर है पहले ही एहतियाती तदाबीर ले ली जाए। और हमजा का वेट करते हैं, उसके उससे पूछते हैं गाड़ी हमें कब फाइनल मिलेगी, इस सामान का क्या करना है वो भी मैं गाड़ी में रखता हूँ, कल के ब्लॉग में आपको बताएंगे, क्योंकि आज टाइम बहुत हो गया, ये 10 बज गए हैं, इसके साथ फिलहाल हम कुछ भी नहीं कर सकते, कल करेंगे जो भी करना है इसके साथ और फिर निकलते हैं। A few inches later. लो भाई अल्लाह अल्लाह करके आ गए, ये वापस कूलर लेने गया था, माशाल्लाह सेटअप कर रहा ना तो उसमें टाइम लग रहा है और आहिस्ता आहिस्ता ही चीज़ें सेट होती हैं जब आप एक नया कारोबार शुरू करते हो। खैर एनीवेज कारोबार तो भाई आपका अल्लाह करे सेट हो जाए, इसको भी कर दो तेरी बड़ी मेहरबानी यार, लोगों को समझाओ, लोगों को, लोग बहुत तरसे हुए हैं, लोग वेट कर रहे हैं कब ब्लैक होगी, चीज़ें बेचने के लिए, बेचने के लिए नहीं लेके जानी है, लेके जानी है ये वेब पर रब्ता करेंगे। अब बताना क्या सीन है, क्या क्या सीन, कब तक हो जाएगी ये, बस अभी घर जाके सोएंगे बस। शाबाश यार, नहीं शुरू कब करना है काम इसके ऊपर, पत्ता शत्ता तो मार दी है, मैं देख रहा हूँ पत्ता पुत्ता लगा होगा गाड़ी को, लेकिन ब्लैक पीपीएफ इसके ऊपर कब लगना स्टार्ट हो जाएगा यार, कल करेंगे ना, कल स्टार्ट हो जाएगा। और गाड़ी हमें वापस कब मिलेगी, ईद के तीसरे दिन, ईद के तीसरे दिन, तेरा हो गया दिमाग खराब, I need this car urgently. People are waiting for this car. होती नहीं है, है? चलाते हो आप, हो नहीं चलाते हो वही हो जो बाहर खड़ी, नहीं यार ये चलेगी ना, जब ब्लैक हो जाएगी फिर चलेगी ये, अब बताओ कब मैं, अब साफ हो गया बिल्कुल ही नहीं, कितना टाइम लगेगा गाड़ी को, दो से तीन दिन, तीन दिन पिना लेके जाओ पैक मिला के, हाँ जरा जल्दी कर दो, बड़े यूट्यूबर को तुम एक दिन में कर देते हो, है छोटा यूट्यूबर मामूली यूट्यूबर उसको नहीं करके दे रहे यार, यार उनकी भी तीन दिन, ढाई कह लो उनके ढाई दिन में हुई थी। अच्छा चलो सही है, खैर इसके ऊपर भी मेहनत करो और इसको एज सून एज पॉसिबल मुका देना, ठीक है, आई एम ऑफ टू होम नाउ, ये जरा गाड़ी में रखवा दे मेरे भाई। भाई जान ये दो लाइटें हैं, इसकी हेडलाइट्स, इसकी टेल लाइट्स, फॉग लाइट्स, साइड मिरर और ये ग्रिल, ये हम गाड़ी में रखने लगे हैं, गाड़ी में रखते हैं इसको, इसकी कहानी आपको कल पता लगेगी कि इसके साथ क्या करना है, फिलहाल गाड़ी में रखवाते हैं सारा सामान, बहुत बहुत एहतियात से, बस 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 रिस्क नहीं लेना, ये एक भी चीज़ टूट गई नहीं मिलनी, बड़ी मेहरबानी, आजू आजू आजू, ये भी कुछ पकड़ाई दे, खाली आता है, खाली आती है, ये भी पकड़ेंगे, पकड़ा गया पकड़ा गया, लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो, चाबी वाले भाई चल खोल, ओए मेरे पे डाल, मुझे मुझे उसकी टेंशन नहीं है, मुझे इसकी टेंशन है ज्यादा, इसको इधर रखते हैं, इसको इधर रखते हैं, इसको इधर रखते हैं, ऑन रिकॉर्ड ये सारी चीजें जा रही हैं आपके घर, इसको आगे रखते हैं, बल्कि इधर आ ही जाएगी, चलो चल मेरी प्यारी ब्राउन, इंशाल्लाह जल्दी मिलेंगे, इंशाल्लाह अच्छी अच्छी हालत में आपको देखेंगे इसके बाद, अभी तो बहुत, अभी वाकई बहुत अजीब लग रही है यार, कसम बड़ा दुख हो रहा है इसे देख के, लेकिन कुछ नहीं होता, टेंशन ही लेनी आपने, इंशाल्लाह पप्पू लुक कमिंग सून, इंशाल्लाह मैं ना तुझे मार दूंगा जान से, ईद के बाद नहीं, मुझे जल्द अज जल्द करके देनी है आपने, बड़ी मेहरबानी है आपकी, घर पे गैराज खाली देख के ना बड़ा दुख होता है, इंशाल्लाह जल्द दिस कार विल बी बैक, लेट्स गो नवीद भाई। हेलो जी बॉयज, डैब से निकल आए हैं, अब गाड़ी जो है वो इंशाल्लाह कुछ ही दिनों में जब पीपीएफ हो जाएगी, दो से तीन दिन जैसे कि हमजा ने कहा लगेंगे इसके ऊपर, तो पैक हो जाएगी, फिर नवीद भाई को दोबारा एक दफ़ा लेके आएंगे और गाड़ी अपनी पैक करवा लेंगे। अभी जो है हम लोग निकल गए हैं, घर जा रहे हैं, ठीक है, नवीद भाई को पहले ड्रॉप करेंगे, फिर खुद अपने आप को ड्रॉप करेंगे और ब्लॉग को एंड करेंगे, तो ब्लॉग इधर अभी ही खत्म कर देते हैं। आई होप सो आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा, जो सामान हमने गाड़ी में रखा है उसके रिलेटेड जो काम है, दो बड़े अहम काम है, आज बहुत लेट हो गए हैं जैसा कि आप लोग देख सकते हो, इस वक्त 10:30 बज रहे हैं रात के, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था ये गाड़ी खोलने में इतना टाइम लगेगा, लेकिन टाइम लग गया, दो से ढाई घंटे तकरीबन लगे हैं गाड़ी को जो है ना डिसमेंटल करने में, तो ये है कि इंशाल्लाह हम उस सामान का क्या करने वाले हैं वो आपको अगले ब्लॉग में पता चलेगा। दो काम थे, मैंने कोशिश की कि आज हो जाए लेकिन नहीं हो पाया, और कल के ब्लॉग में देखते हैं अल्लाह खैर करे क्या बनता है। सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वन, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और इंस्टा पे फॉलो करना मत भूलिएगा, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, सी यू गाइज सून।